Okay students, so in the last video we have learnt about the respiration and the types of the respiration and how respiration produced energy. So in this video we will learn about the respiration in plants and the animal. Okay, so first we have respiration in plant. Means how plants respires or how plant they get exchange of gases between plants and the environment. Okay, so in this topic I will tell you all about it. Okay, so first we have respiration in plant. So how respiration in plant is differ from the respiration in animal. Okay, so there are some points like the in plants all parts involved in the respiration, like in animals only one part, that is the lungs, involved in the respiration, but in plants all the part like the stem, leaves, roots, so all are involved in this respiration process. Okay, second point is less transportation in all the point. Means there is a little transportation, mean like जैसे human beings के अंदर होता है कि lungs produce करते हैं और वो सारे parts के अंदर distribute हो जाती है, लेकिन plants के अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे जो transportation है वो थोड़ी less होती है as compared to animal. ओके, थर्ड प्रोसेस इज स्लो रेट, लाइक एनिमल के कंपैरेटिव जो प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो कम होता है. ओके, सो ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल एंड हाउ दे रिस्पायर. ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स. सो मीन्स प्लांट से रेस्पिरेशन कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो मोस्टली जो प्लांट्स हैं ना वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं. डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होती है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन में. ओके, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं. ठीक है, जैसे मैं देखो डिफ्यूज़न प्रोसेस मैंने आपको केमिस्ट्री में भी बताया था कि डिफ्यूज़न का मीनिंग क्या होता है. जैसे हमने इंसेंस स्टिक की एग्जांपल ली थी कि जब उसको बर्न करते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो सारे रूम में क्यों आ जाती है, कि बाय दैट प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूज़न. ओके, तो वो डिफ्यूज़न हो गया था गैसेस में, लेकिन हमने बोला था कि जो डिफ्यूज़न है वो सॉलिड और लिक्विड में भी हो सकता है. ठीक है, तो वो वाला डिफ्यूज़न प्रोसेस वो प्लांट्स यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए. ठीक है, कैसे करते हैं देखो. सबसे पहले रेस्पिरेशन इन रूट्स, क्योंकि भी मैंने बोला आपको कि रेस्पिरेशन है वो सारे पार्ट्स में हो सकती है, प्लांट के रूट में भी हो सकती है, स्टेम में भी हो सकती है, लीव्स में भी हो सकती है. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा रूट से रिलेटेड. मीन्स रूट्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होती है. ओके, सो द मेन प्रोसेस इज दैट इज द डिफ्यूज़न प्रोसेस. ओके, सो रूट्स में सबसे पहले क्या होते हैं, हमारे पास रूट हेयर्स होते हैं. जैसे हमने देखा है ना, ये जैसे रूट है और रूट के ऊपर ये वाले छोटे छोटे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स. ठीक है, तो वो रूट हेयर्स क्या करते हैं, सो व्हेन दे आर कम इन कॉन्टैक्ट विद द एयर इन द सॉइल, सो द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द रूट हेयर्स एंड रीचेस ऑल द अदर सेल्स ऑफ द रूट फॉर द रेस्पिरेशन. ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दैट विल बी मूव्स थ्रू द सेम रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन. ठीक है, मीन डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ही वो जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनके अंदर जा रही है और ऑक्सीजन गैस उन्हीं डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ही उससे बाहर आ रही है. ओके, सो द रेस्पिरेशन द रूट अक्कर बाय द डिफ्यूज़न ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2 थ्रू द रूट हेयर्स. ओके, सो दिस इज बिकॉज टू मच वाटर एक्सपेल ऑल द एयर फ्रॉम इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. अच्छा, कई बार क्या होता है कि कई बार जो रूट्स है बहुत ज़्यादा वाटर लॉस कर देती है, मतलब उनके अंदर जो वाटर की डेफिशिएंसी आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनके अंदर जब वाटर की कमी आ जाएगी तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व है तो वो उनको उन तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी. ठीक है, सो ड्यू टू दिस ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल टू द रूट्स फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन. सो उस केस में वो क्या करेंगे, अंडर दिस कंडीशन द रूट विल रिस्पायर एनारोबिकली एंड प्रोड्यूस द अल्कोहल, सो दिस मे किल द प्लांट. जैसे हमने एनिमल भी बोला था कि मोस्टली एरोबिक होती है, लेकिन समटाइम एनारोबिक होती है. जब एनारोबिक होती है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी ऐसा ही होता है कि कई बार जब रूट उसके उसमें से वाटर एक्सपेल आउट हो जाता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से वो एरोबिक रेस्पिरेट नहीं करते, वो एनारोबिक रिस्पायर करते हैं और वहाँ पे लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट की जो प्रोसेस होती है ग्रोथ की वो वहीं पे रुक जाती है. ठीक है, तो ये होगा रेस्पिरेशन इन रूट्स का सारा प्रोसेस. ओके, ओके, नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेशन इन स्टेम्स. ओके, जब डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास प्लांट्स होते हैं तो उनकी स्टेम्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती है. जैसे कुछ प्लांट बहुत सॉफ्ट होते हैं तो उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है. लेकिन जो हार्ड और वुडी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर होते हैं लेंटी सेल्स, तो वहाँ पर लेंटी सेल्स के थ्रू जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है. ठीक है, होती प्रोसेस सेम ही है, जैसे स्टोमेटा के अंदर है सेम लेंटी सेल्स ही होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो सॉफ्ट प्लांट्स में होते हैं, ओके, या फिर हर्बेशियस प्लांट्स मीन जो शॉर्ट प्लांट्स होते हैं ना उनमें होते हैं, लेकिन जो लेंटी सेल्स होते हैं वो लार्ज ट्रीज होते हैं, जो हार्ड और वुडी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लेंटी सेल्स होते हैं। सो स्टेम के अंदर जब ये स्टोमेटा और लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज तब ये स्टोमेटा और लेंटी सेल्स के थ्रू ही होती है, ओके जब ये एक्सचेंज होती है उसकी वजह से ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। क्लियर। सो थर्ड पॉइंट भी है हमारे पास रेस्पिरेशन इन लीव्स। ओके अभी हमने रूट और स्टेम के बारे में स्टडी कर लिया, अब हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे कि लीव्स अपना रेस्पिरेशन कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो लीव्स के अंदर आप सबको पता ही है क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। सो स्टोमेटा ही वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा होगा कि वो दिन टाइम उनकी क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो सिर्फ डे में करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो रात को सनलाइट नहीं होती है जिसकी वजह से रात को फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगी, लेकिन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो रात को भी चलता रहता है प्लांट्स के अंदर। क्लियर है ना कि जो फोटोसिंथेसिस है वो हमेशा डे टाइम होती है क्योंकि ये हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन अभी हमने बोला स्टोमेटा के थ्रू है, तो स्टोमेटा तो लीव्स के अंदर रहते ही हैं, तो वो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो लीव्स के अंदर थ्रू ऑफ द डे 24 आवर चलती रहती है, एट नाइट ऑल्सो। ओके अब ये प्रोसेस होती कैसे, देखो एट डे टाइम क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हो रही है। ओके नाउ लीव्स यूज दिस ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन एंड रेस्ट डिफ्यूजेज आउट इन द एयर। सो जो वो ऑक्सीजन जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें से कुछ ऑक्सीजन ही वो जो यूज़ कर रहे हैं और बाकी की सारी ऑक्सीजन वो डिफ्यूज़ बाहर कर देते हैं, जो हम यूज़ करें, जो ह्यूमन बींग्स यूज़ कर रहे हैं। ओके लेकिन एट नाइट को क्या होता है, बिकॉज देयर इज़ ए नो फोटोसिंथेसिस दैट्स वाई नो ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन एंड CO2 दैट इज़ अ डिफ्यूजेज आउट। तो रात को भी क्या हो रहा है, रात को ऑक्सीजन प्लांट्स लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, सो ये प्रोसेस होता है कि लीव्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो डे और नाइट में कैसे हो रहा होता है। क्लियर दिस फिनोमेना, समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होती है। तो वो थ्री टाइप से हो सकती है, रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू और लीव्स के थ्रू। रूट के थ्रू अभी हमने बोला डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो सकती है, क्योंकि रूट के अंदर रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर सॉइल से सारी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको सारे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा स्टेम के थ्रू। स्टेम में भी डिफरेंट टाइप्स के स्टोमेटा और लेंटी सेल्स होते हैं, तो स्टोमेटा और लेंटी सेल्स ही उनको हेल्प करते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग में एंड ऑफ स्टोमेटा एंड लेंटी सेल्स, और उसके थ्रू ही जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है हो रही है। और इन लीव्स के थ्रू कैसे हो रही है, उनके अंदर भी स्टोमेटा होते हैं, सो वो डे और टाइम नाइट दोनों पर डिपेंड करता है। सो डे टाइम तो ओनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, लेकिन नाइट को फोटोसिंथेसिस के साथ रेस्पिरेशन प्रोसेस भी होती रहती है। ओके क्लियर दिस पॉइंट, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन द प्लांट। ओके नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के। एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, जैसे अभी हमने बोला था कि मोस्टली एनिमल्स वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है, मीन्स एनिमल्स के अंदर ऐसे कौन से ऑर्गन होते हैं जो इस रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा हुआ कि डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कुछ एनिमल्स स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, कुछ लंग्स के थ्रू और कुछ गिल्स के थ्रू। सो ये थ्री मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके लेकिन इनका फंक्शन चाहे सेम है, लेकिन इन ये जो काम करते हैं ये वे डिफरेंट टाइप से करते हैं। ठीक है, सो इनका जो काम करने का वो डिफरेंट है, बट इन तीनों में एक चीज़ जो सबसे कॉमन है, ओके एक नहीं सॉरी 2-3 चीज़ें हैं जो इन सभी में प्रेजेंट होती हैं। वो कौन कौन सी है, देखो सबसे पहले इन तीनों का जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा होता है, दे हैव ऑलवेज अ लार्ज सरफेस एरिया। सेकेंड दे ऑल हैव अ थिन वॉल्स। ओके इनकी जो इंटरनल वॉल होती है ना वो थिन होती है। सो थिन क्यों होती है, ताकि उसके अंदर जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है वो इजीली हो सके। ठीक है, थर्ड है दे हैव अ रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड, कि इनके अंदर जो ब्लड की सप्लाई है ना बहुत ज़्यादा होती है। ओके सो जिसके कारण ये तीनों चीज़ें इन तीनों में प्रेजेंट होती है, स्किन, लंग्स और गिल्स के अंदर, लेकिन इनका जो काम करने का वे है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके लिए जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, जैसे ये गिल्स हैं, गिल्स मोस्टली किस में होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स में होते हैं। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल कौन से होते हैं, जो पानी में रहने वाले होते हैं। ठीक है, लंग्स कौन से होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स होंगे। सो लंग्स किस में होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स आ गए, ऑल अदर एनिमल्स आ गए, ठीक है, लाइक काओ, बफलो, टाइगर, लॉयन, सो ऑल दिस आर द टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। तो उनके अंदर भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई द रेट ऑफ द ब्रीदिंग इन एक्वेटिक लाइफ इज़ मच फास्टर एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में आता है कि एक्वेटिक एनिमल के अंदर जो लंग्स हैं, सॉरी गिल्स होते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल जिनके अंदर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ओके, सो इसका रीज़न आपने क्या देना है, देखो, बिकॉज इन द वाटर, ठीक है, दे हैव मच अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लो एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर। क्योंकि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है ना, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू एयर। जैसे हमें पता है कि एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है, लेकिन वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, वो डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं होती, वो वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मतलब वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है, ओनली ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर वाटर की फॉर्म में उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि उनका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, कि उन एक्वाटिक एनिमल्स को क्या होगी कि वो लो ऑक्सीजन वो इजीली कैरी आउट कर सकते हैं अपने अंदर, क्योंकि उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वो गिल्स इजीली उसको कैरी आउट कर लेते हैं और उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव लाइक द A faster rate of breathing provide more oxygen to the aquatic animal, so the terrestrial animal use the oxygen of the air for the breathing and the respiration. So the terrestrial animal they have an advantage over aquatic animal is regard to obtaining the oxygen for respiration, that it is surrounded by an oxygen-rich atmosphere from where it can take any amount of the oxygens. So we will now describe the process of the respiration in the another animals also. ओके, क्लियर दिस पॉइंट। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको मार्क कर लेना, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन जो अदर एनिमल्स के कैसे थ्रू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन इन अमीबा। ओके, सो अमीबा के थ्रू, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से बनी होती है। तो यहाँ पे उसके पास कोई ना कोई गिल है, ना कोई लंग्स है और ना कोई अदर ऑर्गन है उसको रिस्पायर करने के लिए। तो अमीबा रिस्पायर कैसे करता है, वो कैसे लाइव हो रहा है, जिंदा कैसे रह रहा है, उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि वो अभी तो ऑक्सीजन ले रहा है ना, तो वो ऑक्सीजन किसके थ्रू ले रहा है, ठीक है। तो इसका रेस्पिरेशन अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो देखो अमीबा कैसे होता है, इसमें अंदर अमीबा हमेशा वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बहुत ही स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अंडर माइक्रोस्कोपी हम इसको देख सकते हैं, बहुत छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। सो द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर दैट इट डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी ऑफ द अमीबा। वाटर के अंदर ऑक्सीजन अभी हमने पढ़ा, वो ऑक्सीजन अमीबा क्या कर रहा है, अपने अंदर डिफ्यूज़ कर रहा है। किसके थ्रू डिफ्यूज़ कर रहा है, क्योंकि इसके बाहर ये क्या बनी हुई है, इसकी सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो उसके अंदर डिफ्यूज़ हो रही है। Okay, because the size of the amoeba is very small, so the oxygen that spread quickly into the whole body of the amoeba. बहुत छोटा साइज है, जिसकी वजह से साथ के साथ ही जैसे ऑक्सीजन एंटर की सारी बॉडी के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। Now this oxygen is used for the respiration inside the amoeba. So the process of the respiration that produced carbon dioxide gas continuously, क्योंकि अंदर जाके जैसे जैसे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है वैसे वैसे वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकलेगा। Now this carbon dioxide gas that is diffuses out through the membrane of this amoeba. ओके, सो द ब्रीदिंग सर्फेस ऑफ द अमीबा इज इट्स अ सेल सर्फेस मेम्ब्रेन। सो इसका ब्रीदिंग ऑर्गन क्या हो गया, मेन इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया। सो सेल मेम्ब्रेन ही अमीबा के अंदर है, जो वो मेन इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ द अमीबा सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ऑल्सो रिस्पायर लाइक दिस प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल वी हैव पैरामीशियम, वी हैव प्लेनेरिया एंड ऑल अदर एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे ऑल रिस्पायर थ्रू दिस प्रोसेस, मीन्स बाय थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट वी हैव सम अनदर पॉइंट रिलेटेड टू दिस, कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वी हैव सेड दे कैन डिफ्यूज एंड प्रोड्यूस द रेस्पिरेशन प्रोसेस, बट in larger animal or in the higher animals the diffusion process can't occur through them. because their body is made from the very large number of the cells, and the different cells they have to perform a different function. So the diffusion can't be occur in the higher animals. Then how higher animals can respire? So they have a different organs for the respirations. Okay, so in the large animal there is a proper blood circulatory system. लार्ज एनिमल में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहा है. मीन्स ऑक्सीजन इनर जा रही है और CO2 है वो जो बाहर आ रही है. ओके, सो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन पॉइंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, ब्लड. जैसे इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन वो कर रही थी, तो यहाँ पे जो ब्लड है हमारा वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन आई, CO2 गई और वो सारे पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट किसके थ्रू हो रही है, ब्लड के थ्रू. इसलिए हम इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देते हैं. तो लार्जर एनिमल्स के अंदर ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो रेस्पिरेशन में हमें हेल्प करता है. ओके, सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई डिफ्यूजन प्रोसेस नॉट अक्कर इन द हायर एनिमल. तो आपने रीजन क्या लिखना है वहाँ पे, बिकॉज इन द हायर एनिमल देयर आर लार्ज नंबर ऑफ दी सेल्स, सो द डिफ्यूजन कांट possible in all the cells, because if the diffusion is occur inside our human body, then it would take about 3 years for a molecule of oxygen from our lungs to reach our toes by the process of the diffusion. देखो इतना लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा. वो कहते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल है ना जो ऑक्सीजन का, वो हमारे लंग से फुट के टोस तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, 3 years. सो दैट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस, इवन अ वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस, जिसकी वजह से हम डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू रिस्पायर नहीं करते, हम जिस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू रिस्पायर करते हैं. ओके, सो द ह्यूमन ब्लड में भी क्या प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन. इसके बारे में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है. हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो द ह्यूमन कंटेन ए पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ऑल बॉडी सेल्स वेरी एफिशिएंटली. सो ये हीमोग्लोबिन ही है जो लंग्स से ऑक्सीजन लेके हमारे ऑल पार्ट तक हमें डिस्ट्रीब्यूट करवाता है. ओके, क्लियर दिस होल प्रोसेस कि लार्जर एनिमल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है. ठीक है, अब इन लार्जर एनिमल्स में भी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं. ओके, सो वन बाय वन हम वो स्टडी करेंगे. ठीक है, जैसे देखो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म, क्योंकि अर्थवर्म की बॉडी भी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनी हुई है ना. तो अर्थवर्म कैसे रिस्पायर कर रहा है, सो द अर्थवर्म एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन थ्रू द मॉइस्ट स्किन. सो ये भी, इसके पास भी कोई लंग्स गिल नहीं होते, ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही ऑक्सीजन अपनी इनटेक कर रहा है और आउटसाइड CO2 कर रहा है. ओके, क्लियर दिस फिनोमेना. तो इसमें आपने ज़्यादा डिटेल नहीं करनी, आपने सिर्फ ये बताना है कि अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है. ठीक है, सेकंड वी हैव फिशेस का. फिशेस का जैसे मैंने अभी आपको बता दिया क्या होता है, फिशेस के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो गिल्स ही उसकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं. ठीक है, कैसे हेल्प करते हैं, देखो, व्हेन द वाटर पासिस ओवर द गिल्स एक्सट्रैक्ट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर. क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि जैसे गिल्स के अंदर वाटर गया तो उस वाटर में से उसने क्या करना है, सिर्फ ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना है. ओनली एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन, मीन्स हाइड्रोजन को वो रिमूव कर देंगे, ओनली ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट जो गिल्स के अंदर चली जाएगी. ठीक है, नाउ द वाटर देन गोज आउट थ्रू द गिल्स स्लिट, और जो वाटर है थोड़ा बहुत हाइड्रोजन है वो गिल स्लिट के थ्रू बाहर आ जाएगा. ठीक है, सो द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाटर बाय द फिश व्हेन इट फ्लो ओवर द गिल्स, सो द एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड इट इज कैरीड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द फिशेस. अब जो जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट हुई है, इसी गिल्स के थ्रू ये होती हुई बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक ये पहुँचा दी है, और जो फिश है वो अपना नॉर्मली लिव करती रहती है पानी के अंदर. ठीक है, लेकिन आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी कि जब फिशेस को हम पानी से बाहर निकालते हैं तो वो हम कहते हैं कि वो डाई हो जाती है ना. तो वाई दिस हैपन, वो डाई क्यों होती है, क्योंकि फिशेस दैट डजंट दे हैव ए लंग्स, क्योंकि उनके अंदर लंग्स नहीं है. लंग्स के कब काम करते हैं, जब वो एयर्स के अंदर होते हैं. ठीक है, पानी के अंदर काम करने के लिए गिल्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर लंग्स नहीं होते, जिसकी वजह से जो एयर वाली ऑक्सीजन है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो जो फिश है वो डाई हो जाती है. ओके, क्लियर दिस पॉइंट. सो ये हमारा फिनोमेना हो गया ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन दी एनिमल्स. ओके, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन बींग्स. ओके, थैंक यू.